ठीक है सब। यहाँ पर आपको देखते हैं जैसे हम लोगों ने लाइक पूरे पासिस बना रखे हैं, की में क्या है, फिल में क्या है, ठीक है। सारे हम लोगों ने पासिस वन वन करके रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों एक वन बाई वन करके देख सकते हैं। इसका मैंने वीडियो भी आपके चैनल पर लाइक मैंने अपलोड कर रखा है यहाँ पर, और वीडियो के साथ साथ आपका चीज़ है क्या कि लाइक पूरा पूरा डेटा भी यहाँ पर अपलोड है, फाइल भी अपलोड है एंड सब कुछ अपलोड कर रखा है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इसका एक रेंडर निकाल लेते हैं। रेंडर निकालने के लिए सबसे पहला काम करना क्या होगा, सेट प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। सेट प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वन थिंग मैं काम करता डेस्कटॉप पे किया, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, ठीक है, पासिस, ठीक है, पासिस में सेट कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। क्रिएट डिफॉल्ट वर्क स्पेस, विंडो डी करते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे देखते हैं पासिस में क्या क्या है। सिंपल एक फाइल है और कुछ नहीं है। इसके साथ हमें यहाँ पे करना क्या है, फाइल पे गए, यहाँ पे होता है सेट प्रोजेक्ट होता है एंड प्रोजेक्ट विंडो होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो में गए, यहाँ पे पासिस है, न्यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये न्यू करने का लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, पास लग करो यहाँ पे, यही है पासिस को मैंने सेट कर दिया, पासिस सेलेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं, विंडो डी करके देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, इसके अंदर फोल्डर बने कि नहीं बने। देखो ये सारे फोल्डर आपके से यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सीन में सीन की फाइल, सोर्स में की फाइल, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कि हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अगर यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल सी, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन फाइल में सेव करना है तो मैं सेव कर लूँगा। कई बार ऐसे हम लोग सोर्स में फाइल नहीं रखते तो बिना टेक्स्ट के रेंडर आ जाते हैं क्या। फाइल यहाँ पे क्या करते हैं, सेव से देखो सेव कहाँ होगा, वही पासिस के अंदर सीन के अंदर जाके ये सेव हो जाएगा। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, रेंडर सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे रेंडर सेटिंग पे गए, यहाँ पे माया सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हमने सेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे फाइल नेम जो भी कुछ देना है, लाइक आपको कैमरा का नेम देना है, कैमरा का नेम दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी आप इंसर्ट सीन नेम देना चाहो, सीन नेम आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप देना चाहो, ठीक है, बेसिक लाइटिंग पासिस तो है यहाँ पे, तो आप ऐसा कुछ करना चाहो कर सकते हो। रेंडर लेयर नेम देना चाहते हो, रेंडर लेयर नेम आ जाए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से सारे पार्ट्स हैं जो आप यहाँ पे, अगर आपको जो लगता है माइंड में वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने रेंडर लेयर कर दिया, फॉर्मेट टीजी कर रखा है यहाँ पे, सिंगल फ्रेम, एक ही फ्रेम चाहिए मुझे। अगर एनिमेशन चाहिए होगा तो एनिमेशन के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नेम डॉट हैश डॉट ईएक्सटी, ठीक है। और देन यहाँ पे मुझे क्या लेना है, कैमरा वन, ठीक है। एक कैमरा में बस यहाँ पे ये कैमरा, दिस इज माई कैमरा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, एक कैमरा मैं ऐसे ले सकता हूँ, दूसरा पार्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई भी कैमरा लाइक क्रिएट करना है, क्रिएट पे गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा ले लिया, ठीक है। कैमरे पे गया, पैनल लुक थ्रू सेलेक्टेड। अब मैं यहाँ पे अगर मैं सपोज मैंने कैसा कुछ कैमरा ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, जो वन फोर्थ पार्ट थे यहाँ पर विजुअल है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो मैं ऐसे करके भी मैं डील कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए या ऐसे कुछ पार्ट मुझे देना है तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है तो मैंने के दिया, ठीक है। अभी रेंडर सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक कैमरा, देखो यहाँ पे कैमरा कौन सा, कैमरा वन। आप यहाँ पे एक साथ दो कैमरे का भी रेंडर निकाल सकते हो, एड रेंडरेबल कैमरा, एक कैमरा वन ही हो गया, कैमरा टू ही हो गया, तो एक साथ आपको दोनों रेंडर निकल के आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या साइज दे रखा है, HD, ओके। यहाँ पे रेजोल्यूशन है, अभी नॉर्मल काम कर 72, मूवीज में 300 होता है, टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने 72 का रखा है। माया सॉफ्टवेयर ठीक है, प्रोडक्शन हाई क्वालिटी, यहाँ पे जो भी चाहिए सब हाई क्वालिटी यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, ओके। तो व्हाट वी वांट, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जाके रेंडर निकालते हैं, ठीक है। अब रेंडर में गए, रेंडरिंग में चलते हैं, यहाँ पे रेंडर बैच रेंडर एंड क्लोज। बैच रेंडर होगा आपके यहाँ पे, बैच रेंडर आपको दिखेगा कहाँ पे, यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइम स्लाइडर है मेरे पास यहाँ पे, रेंज स्लाइडर है, स्क्रिप्ट एडिटर है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ गया, टूल्स, ठीक है, कमांड लाइन, ये देखा होगा यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रिप्ट एडिटर के पास, ठीक है। ये जब भी आपका रेंडर होगा तो आपका यहाँ पे विजुअल होगा क्या, तो रेंडरिंग ऐसा आपका चलता रहेगा और देन एकदम से आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखा होगा रेंडर स्टार्ट हो गया यहाँ पे, इट मीन्स आपका रेंडर यहाँ पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक जाके कर सकते हो कि आप यहाँ पे, यहाँ पे गए सिंपल पासिस में गए, आप इमेजेस में गए, इमेज में देखो आपके यहाँ पे कैमरा वन का आपका कौन कौन सा रेंडर हो रहा है यहाँ पे। देखो जो जो रेंडर आपको होते जा रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे है क्या, रेंडर हो तो रहा है लेकिन रेंडर में आपके पास कुछ यहाँ पे देखो
जो ईएक्स आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाकी यहाँ पे नहीं आया। तो एक बार हम लोग फॉर्मेट चेक करें यहाँ पे, रेंडरिंग प्रोसेस देखो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, रेंडर पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, कैंसिल करता, कैंसिल रेंडर, ठीक है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। यहाँ पे क्या करते हैं, ओके यस, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पासिस तो दे रखे, यहाँ पे देखो ये फाइल चेंज हुआ है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो कि आपके पास कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। टी जी ले सकते हो, टिफ ले सकते हो, ओके, टी जी टिफ पी एन जी में से कोई फॉर्मेट ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं टीजे दिख रहा है, टीजे पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे जाओ तो आप ई एक्स आर भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले टीजे ले लें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ई एक्स आर वाला वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस से पहले बार सेव कर लिया, सेव सीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, रेंडर किया, और बैच रेंडर यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे बैच रेंडर फिर से आपके पास यहाँ पे आएगा। ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आपके पासिस निकल रहे नहीं निकल रहे, ठीक है। तो पासिस में आप देखो यहाँ पे ये जो फाइल था वो आ रहा था, अभी यहाँ पे ये चीज़ यूजर नहीं थी, तो अभी आराम से फिर से अपडेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से रेंडर निकलना स्टार्ट होगा, ये देखो रेंडर आपका निकलना स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ठीक है। देखो हमने एक और अनदर ऑप्शन देखे यहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ से हमने रेंडर किया, यहाँ पे क्या रेंडर सीक्वेंस का ऑप्शन था, यहाँ से एक हमने फ्रेम लिया और देन यहाँ पे सिंपल से ऑप्शन पाथ दे रखा है, और ये ऑटोमेटिक रेंडर करता है। यहाँ पे रेंडर करने के बाद ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लाइक एक तो इमेजेस में एक टी एम पी टी करके यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक एक को आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो, आप यहाँ पे कि ओपन विथ मैंने किया, टी एम पी यहाँ पे क्या है, फोर सब मैं ओपन करके क्रॉस चेक करके देख सकते हो यहाँ पे कि भाई मेरे पास पासिस बन के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो शैडो में, शैडो में एक चीज़ यहाँ पे ये पार्ट में बस आ गया बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं इसको काम कर लेता हूँ, चीज़ को तो मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्किप कर देता हूँ यहाँ पे, स्किप, ठीक है। शैडो पास में जहाँ पे लगता है कहीं पे कोई चीज़ रह गया है उसे तो सा मैनेज कर लें यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल ए हमने यहाँ पे किया था रेंडरिंग में, यहाँ पे आपका था ऑब्जेक्ट डिस्प्ले और यहाँ पे एंडस्ट में प्राइमरी विजिबिलिटी यहाँ पे ऑफ है, एच हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, एच फॉर हाइट, ठीक है। यहाँ पे था प्राइमरी क्रिएट लेयर ऑर्डर हाइट, यहाँ पे मैंने सेव ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एच फॉर हाइट यहाँ पे चीज़ को मैं सबको लेके चलना है यहाँ पे, ये भी मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस कोई ऐसा रहना नहीं चाहिए, ये प्राइमरी ऑफ है यहाँ पे, देखा यहाँ पे ये भी प्राइमरी ऑफ, ये कवर, तभी क्या ये पार्ट मेरे को दिखेगा नहीं, क्या जो भी चीज़ मैं देखने वाला हूँ यहाँ पे वो विजुअल नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्प्ले सो एंड ऑल, तो ऐसे प्रोसेस को एक बार क्रॉस चेक करके देख लेंगे यहाँ पे, भाई प्रोसेस में मेरे पास क्या क्या चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखा शैडो पास में मुझे ऐसा कुछ दिखा क्या यहाँ पे ये पार्ट, तो मुझे भी इसे हाइट करना पड़ेगा। तो देन मैं अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वापस गया माया में और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिंपल द पार्ट, फाइल को किया सेव और मैंने फिर से रेंडर निकाल दिया, ठीक है। रेंडर पे गए, रेंडर में अभी देखो ऑप्शन में ये वाला यूज़ हो, रेंडर सिक्वेंस वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, रेंडर सिक्वेंस, ठीक है, एंड क्लोज फिर से करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर ये रेंडर ये निकाल देगा यहाँ पे, कहीं पे कोई चीज़ लाइक मिस्टेक हो तो उसे आप ठीक कर सकते हो आप यहाँ पे, वन बाय वन करके रहने निकाल दिया यहाँ पर।